Nurturing excellence. Students, good evening to all of you. So today we will continue our series of Rashtra Military School's previous year paper. Okay, so we were discussing previous year questions of GK section. Okay, so we will continue that series from today. Okay, so let's start our session. So the question number 21st. So first of all, मैं आपको ये बता दूं कि 21st question यहाँ पे क्यों आया? Because question number 1st to 10 मैंने first video में आपको पहले video में करवा चुका हूँ. Then 11 से 20 चला था. Now today 21st से 30 questions हो गए. Okay? And मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 21st से 10 questions ये 10 question आपके previous year होंगे जो इसमें that will be previous year. Okay? उसके साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि previous year questions repeat नहीं होते हैं. रिपीट क्या होंगे? उसी के जैसे कुछ उसका जैसा उसके अंदर सिम्टम्स होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर. ओके, सो जैसे अगर मान लो क्रिकेट के बारे में पूछ लिया तो क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसके अंदर गेम्स के बारे में पूछता है. ओके, तो मैं गेम्स के बारे में पढ़ना होगा. इस टाइप में हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है. तो इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट 50 क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. So the question number 21, which of the following is the headquarters of World Trade Organization? So question kya hai ki inme se kaun sa hai headquarter, kahan pe headquarter hai kiska? World Trade Organization ka, that is WTO. Full form of WTO is World Trade Organization. ओके, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन जेनेवा. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, जेनेवा. ओके, सो नाउ अब ये तो हमारा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है. अब इसी के जैसे कुछ क्वेश्चन के बाद आएंगे, तो ये क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन यहां से हो गए, 1 क्वेश्चन ये हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए. बस इसी से तरह से हम चलेंगे, ठीक है. अब देखो, तो हेडक्वार्टर ऑफ IMF. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज IMF? हाउ मेनी ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ IMF? सो द फुल फॉर्म ऑफ IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ओके, International Monetary Fund. Okay, and now, तो इसका क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मैं बता दूँ, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में ही है. ओके, वॉशिंगटन डीसी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, देन नेक्स्ट सार्क. सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म ऑफ सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो मैं कोऑपरेशन इसकी जो फुल फॉर्म है लिख देता हूं, तो देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है. और इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में. ओके, काठमांडू, दैट इज इन नेपाल. ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट एशियन, ASIAN, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन? सो द फुल फॉर्म ऑफ एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इसकी सिटी जिसका हेडक्वार्टर तो है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है
जकार्ता में, ठीक है। देन नेक्स्ट आईसीसी, सो व्हाट इज आईसीसी? फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके। एंड द फुल फॉर्म ऑफ, सॉरी, द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, आईसीसी की हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है दुबई में, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ सोलो डांस? सो द वर्ड इज सोलो, सोलो मतलब सिंगल, वो डांस जिसके अंदर कोई सिंगल पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो सोलो मतलब सिंगल, ओके। ऑप्शंस तो देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, कुचिपुड़ी, यशगन, ओडिसी और ओथेंटुलाल, ओथेंटुलाल। तो अब इनमें से आपको बताना क्या है कि सोलो डांस इन सभी में से कौन सा है। सोलो डांस है कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर, कुचिपुड़ी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यक्षगान बिलोंग्स टू विच स्टेट? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ना, यक्षगान, तो यक्षगान बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो यक्षगान बिलोंग्स टू कर्नाटक, ओके। सो द यक्षगान बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो यक्षगान बिलोंग्स टू कर्नाटक, KARNATAKA. ओके, नाउ कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है? तो इंडिया हैव 8 क्लासिकल डांस, ओके। और इसके अंदर एक डांस और आता है, दैट इज चाउ, तो 9 गाने हो जाते हैं क्लासिकल डांसेस, ठीक है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है इंडिया का? तो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है ओडिसी, ओके। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेडियम वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स, KISG, दैट इज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इनॉगरेटेड। जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, वो कौन से स्टेडियम में हुआ और कहाँ हुआ? ओके, तो कहाँ सिचुएटेड है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जो मतलब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ, फर्स्ट एडिशन हुआ, उसका स्टेडियम कहाँ है? तो और अगर आपको पता हो तो उस स्टेडियम का क्या नाम है? तो उस स्टेडियम का नाम है इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम, ऑप्शन बी, दैट इज इन न्यू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट, अब देखो जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, स्टेडियम, ठीक है। क्या पूछा है इसके अंदर, स्टेडियम पूछा है कि स्टेडियम कौन सा है? तो स्टेडियम पता है कौन सा है? स्टेडियम कहाँ है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो हुआ फर्स्ट एडिशन, तो वो स्टेडियम था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन स्टेडियम से रिलेटेड था, यहां तो लिखा हुआ क्या है, डिजीज का, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 24th क्वेश्चन इज द ब्रेन फीवर विच अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन इज, क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं,
तो अब क्वेश्चन ये है, द ब्रेन फीवर विच अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन, तो कौन सा फीवर है ब्रेन पे जो अफेक्ट करता है यंग चिल्ड्रन पे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो 24th का आंसर आ जाएगा एनकेफलिडिस। ठीक है, एनकेफलिटिस एक ब्रेन फीवर है, क्या करता है यंग चिल्ड्रन को, पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन अब क्या नेक्स्ट, डिजीज दैट अफेक्ट्स द लंग्स, वो डिजीज जो क्या करती है लंग्स पे अफेक्ट करती है, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा अस्थमा। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिजीज दैट अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को कौन सी डिजीज अफेक्ट करती है? एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज दैट अफेक्ट लिवर, वो डिजीज क्या करती है लिवर पे इफेक्ट करती है, तो डिजीज दैट अफेक्ट लिवर, लीवर पे कौन सी डिजीज अफेक्ट करती है, उसकी आंसर हो जाएगा हिपेटाइटिस ए बी ठीक है, इफेक्ट हिपेटाइटिस ए बी एंड ई अफेक्ट्स लीवर। नेक्स्ट, डिजीज दैट अफेक्ट नर्वस सिस्टम, वो डिजीज कौन सा है नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, तो डिजीज दैट अफेक्ट नर्वस सिस्टम, वो डिजीज क्या करती है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो कौन सी है? तो डिजीज दैट अफेक्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे कौन सा इफेक्ट करती है बीमारियां, तो क्या जाएगा इसका आंसर? ठीक है, तो डिजीज द इफेक्ट नर्वस सिस्टम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्जाइमर, अल्जाइमर्स डिजीज, या फिर अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसन डिजीज। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है हिमालयाज की, कहाँ? इन इंडिया, इंडिया में माउंटेन पीक दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज, ऑप्शंस आर K2, कंचनजंगा, नामचा बारवा और नंदा देवी। तो लेट मी नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25th, कि विच हाईएस्ट माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन इंडिया ऑफ हिमालयस।
है, तो कौन सी माउंटेन पीक है सबसे ऊंची, कहाँ इंडिया के अंदर, किसकी पार्ट, हिमालयस की पार्ट। तो ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, कंचन, कंचन जंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो ही आ जाएगा कंचन जंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स, ओके। अन्नामलाई हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, सो द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदागढ़ पीक, ओके, जिंदागढ़ पीक। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या, विंध्या की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है सद्भावना रेंज। ओके, सो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज सद्भावना पीक, ओके, और दैट इज संतभावना रेंज। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है सतपुरा ठीक है। तो क्या जाएगा, धूप गढ़। आफ्टर इट, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, वो है सैडल पीक। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन नंबर 26, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, कौन सा है बताओ भाई, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन डी, गोवा। ओके, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया के अंदर, एरिया की हिंदी क्या होती है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एशिया, सॉरी स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा है, गोवा। ओके, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कम से कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट के छोटा कौन सा है, तो वो है सिक्किम। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सी है, सो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इज राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश।
हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? बिहार में। सो द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी हो जाएगी? केरला की। कितनी है हाईएस्ट लिटरेसी रेट वहां की? अप्रोक्स 92%, 91 से 92% लिटरेसी रेट है गो वहां की, केरला की। ओके नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो वो है वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट स्टेट कंट्री बाय पॉपुलेशन, उसमें भी वही है वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, स्मॉलेस्ट सॉरी लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? ओके नेक्स्ट, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है? तो वो है चाइना। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है? तो कितने साल है मिनिमम एज रिक्वायर्ड काय की, मेंबर बनने की, किसकी? राज्यसभा की। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी 30 इयर्स। नेक्स्ट, परमानेंट हाउस कौन सा है भाई? कौन सा है परमानेंट हाउस? तो परमानेंट हाउस बोलते हैं किसको? राज्यसभा को। टेम्प्ररी हाउस किसे बोलते हैं? तो टेम्प्ररी हाउस बोलते हैं लोकसभा को। अब नाउ लोअर एंड अपर हाउस, लोअर हाउस कौन सा है और अपर हाउस कौन सा है बताओ भाई? लोअर हाउस तो कौन सा है? लोकसभा है, लोकसभा लोअर हाउस है। एंड राज्यसभा अपर हाउस है। ओके देन एज फॉर राज्यसभा, देखो अब इसमें मैंने बता दिया राज्यसभा की एज, मिनिमम एज कितनी थी? 30 इयर्स। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 30 इयर्स, वो सेम ही तो होगी ना। उसके बाद में एज टू बिकम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने की कितनी चाहिए? वो चाहिए 35 इयर्स की। देन एज फॉर वोटिंग, वोट करने के लिए क्या एज चाहिए? तो वो चाहिए 18 इयर्स। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच टू कंट्रीज प्लेड द फाइनल ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप 2018? तो क्वेश्चन क्या है कि दो कंट्रीज कौन सी थी जिसने क्या किया, फाइनल खेला था कौन सा सॉकर का, फाइनल वर्ल्ड कप 2018 का? सो तो मैं बता दूं 2018 का क्वेश्चन है ये, सॉरी मतलब 2018 का पेपर है ये। ओके दैट इज कि 2018 के लिए ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था।
अब की बार तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बिकॉज 2018 के लिए करंट था, तो अपने लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या है यार, जो नीचे वाला डाटा है ना, ये हमारे लिए क्या है इंपोर्टेंट है। देखो तो ही हु हैव रिसेंटली वॉन थॉमस कप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। सो थॉमस कप कौन से गेम से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है बैडमिंटन से। तो ध्यान रखना बैडमिंटन के अंदर ही थॉमस कप होता है। ओके देन नेक्स्ट, बैडमिंटन आपको याद रखना थॉमस कप के लिए। देन एशिया कप होता है क्रिकेट का, ठीक है। अब एशिया कप का क्या है, एशिया कप विनर कौन रहा? इंडिया। ओके नाउ एशिया कप रिलेटेड विद विच गेम? तो एशिया गेम रिलेटेड है क्रिकेट से, ठीक है। ओके और एशिया कप किसने जीता अब की बार? लेट मी नो द आंसर, विच कंट्री वॉन द एशिया कप? सो द कमेंट में आप क्या करोगे, इसका आंसर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो देखो भाई T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, रिसेंट मतलब रिसेंटली डिसकंटिन्यूड, इट रिसेंटली हैपनिंग, ओके इट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो इसका वर्ल्ड कप का विनर हमें नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं इसका विनर कौन कौन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टुडे कौन कौन हो सकता है इसका विनर? इंडिया और इंग्लैंड, बिकॉज दीज टू टीम्स आर अगेंस्ट ईच अदर इन सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप T20। एंड द सेकेंड इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ओके ये होगा सेमीफाइनल सेकंड। एंड दोनों टीमों के जो विनर्स होगा, दोनों मैचों में जो विनर होगा वो खेलेगा क्या फाइनल? और जो फाइनल में जो विनर होगा, विनर ऑफ फाइनल विल बी द T20 वर्ल्ड कप विनर। ओके तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, कब? आफ्टर 5 to 6 days। ओके 5 days आफ्टर। इसका ध्यान रखते रहना T20 वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, रिसेंटली आईपीएल विनर। तो आईपीएल किसने जीता भाई अब की बार? तो रिसेंटली आईपीएल इज वॉन बाय गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस जो ये टीम थी, ये कौन सी कहाँ की टीम थी? तो ये टीम थी गुजरात की, ठीक है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जीती किसने? रणजी ट्रॉफी जीती मध्य प्रदेश ने। ओके एंड नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? तो कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स 2020 टेक प्लेस? जो 2020 के समर ओलंपिक गेम्स है, समर ओलंपिक गेम्स 2020 टेक प्लेस, तो कहाँ होने वाले हैं, मतलब कहाँ हो चुके हैं? 2018 पेपर करवा रहा हूँ ना, उस टाइम तो क्या था, कहाँ होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, मतलब वो पूछ रहा था क्या फ्यूचर।
फ्यूचर ऑफ ओलंपिक ओलंपिक गेम्स, और हम पढ़ रहे हैं 2022 में, बिकॉज वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो अगले ओलंपिक्स होने वाले हैं, अगले जो गेम्स होने वाले हैं, वो कहाँ होने वाले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल समर, द नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम 2020, इसका आंसर तो हो जाएगा कि जापान, दैट इज टोक्यो, टोक्यो जापान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट समर ओलंपिक। नेक्स्ट समर ओलंपिक इसका क्या होगा भाई? तो नेक्स्ट समर ओलंपिक होगा पेरिस में, पेरिस 2024। ठीक है, नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री, तो कौन सी कंट्री जो क्या कर रही है, ओडीआई के वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी जो होने वाले हैं, तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो है इंडिया। ओके, इंडिया होस्ट करेगी वर्ल्ड कप को जो 2023 में होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स होंगे अगले, वो कौन सी कंट्री में होंगे? तो वो होंगे चाइना में। चाइना की सिटी कौन सी है? वो सिटी इज हुआंग, हुआंग सिटी में, ठीक है, हुआंग सिटी ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज, नेताजी सुभाष चंद्र, सुभाष SUBHASH, ओके, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट, द ऑप्शन इज बेंगलुरु, कोलकाता, दार्जिलिंग एंड पटियाला। सो द आंसर विल बी पटियाला, दैट इज इन पंजाब। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटियाला। ठीक है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ सिचुएटेड है? पटियाला में। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है तो वो कहाँ है? तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मणिपुर में, और ऊपर क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वो है पटियाला में, और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? मणिपुर में। नेशनल रेलवे यूनिवर्सिटी क्या है? तो नेशनल रेलवे यूनिवर्सिटी इज इन गुजरात, दैट इज वडोदरा, वडोदरा। ओके, नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट खेल म्यूजियम, खेल म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ओके, सो आवर टुडे सेशन इज ओवर, इफ यू लाइक आवर क्लास डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इन द लास्ट आई वॉन्ट टू से कि हमारी टेस्ट सीरीज अभी कंटिन्यू है, फ्री टेस्ट सीरीज अभी आप दे सकते हैं हमारी, और दैट इज ऑफ अबेकस एकेडमी। ओके, अबेकस एकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन बोथ मोड्स। इफ यू वांट्स टू ज्वाइन अवर ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज, तो आपको करना सिर्फ इतना होगा कि हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके आपको फ्री टेस्ट सीरीज वाला लिंक ओपन करना है, और वहां पे रजिस्ट्रेशन कर देना है, आपको कुछ ही टाइम बाद में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, दैट इज 10 फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वहां पे, दैट विल बी इनफ फॉर योर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स पेपर, ओके, एंड सैनिक स्कूल पेपर। और अगर आपको ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना है, तो यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एट आवर सेंटर, और जो हमारी एकेडमी है अबेकस एकेडमी पे आप आ सकते हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।
सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एट मिनिमल कॉस्ट। जय हिंद।